हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीबी एंटरटेनमेंट टीवी पर। आज की वीडियो बेन 10 पर तो होने वाली ही है, लेकिन उन एलियन पर इनका यूज़ बेन 10 ने काफ़ी कम किया है, यानी जिन एलियन की अपेयरेंस बेन 10 एलियन फोर्स में कम दिखाई गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलियन हमारा मार्क है। मार्क एक सिंपल एलियन है जो बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट में अपेयरेंस कम दिखाया गया है। मार्क का पेट एक ब्लैक होल की तरह है जो कुछ खाकर अटैक करता है। मार्क का यूज़ बेन 10 ने कम ही किया है। सेकंड एलियन है वेबिक। वेबिक एक जाइंट एलियन है जो अपनी जाइंटनेस के लिए जाना जाता है। वेबिक का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बड़ा होने की वजह से बेन 10 इसे कुछ अपॉर्चुनिटीज पर भी यूज़ करता है। वेबिक का अल्टीमेट फॉर्म भी है जो वेबिक से बड़ा है। थर्ड जो एलियन आता है वो है कैनन बोल्ट। कैनन बोल्ट की फर्स्ट अपेयरेंस हमें क्लासिक में दिखाई गई थी। उसके बाद बेन 10 अल्टीमेट एलियन में हमें ये देखने को मिला। जब हाइब्रिड अपनी जंग को शुरू कर रहे होते हैं तब डीएनए एलियन से लड़ते वक्त बेन 10 ने कैनन बोल्ट को यूज़ किया। उसके बाद भी कैनन बोल्ट अल्टीमेट एलियन में कम ही दिखाई दिया। फोर्थ एलियन है रिपडोस। रिपडोस का एक फिश टाइप एलियन है जिसकी ताकत पानी है और कमजोरी भी पानी है। रिपडोस का यूज भी बेन 10 एलियन फोर्स में कम ही दिखाई दिया है। फिफ्थ और लास्ट एलियन है जिसको हम सभी जानते हैं और बेन 10 एलियन फोर्स की सीरीज से ही हमें ये एलियन देखने को मिला है। हाँ, उस एलियन का नाम है एलियन एक्स। एलियन एक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी बेन 10 की सीरीज में कम ही दिखाई दिया, क्योंकि एलियन एक्स को यूज़ करने के लिए एलिना और बेलेकस की परमिशन की ज़रूरत होती है जो बेन 10 को ज़्यादातर नहीं मिली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।